सैफी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजे ब्लॉगर। और हम सुबह निकले मे बी 6 बजे, हमारा प्लान बना कि आज कुछ डिस्कवर करके लाते हैं नई चीज़। तो हमने सोचा कि आज हम नदरे का ब्रिज कैप्चर करते हैं। ब्रिज के बारे में कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ। मोस्टली ब्रिज होते हैं जिनका क्या होता है कि ऊपर नदी है, नॉर्मल ब्रिज है। ये जो ब्रिज हम कैप्चर करने जा रहे हैं, आपने पहले भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, नदरी ब्रिज देखा होगा नॉर्मली। लेकिन इस ब्रिज की खास बात यह है कि सबसे पहले ये 130 साल पुराना ब्रिज है। इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर भी नदी है जो कि गंगा नदी बहती है, और इसके नीचे भी नदी बहती है जो कि काली नदी बोलते हैं, तो काली नदी बहती है। तो बाकी चीज़ें हम आज आगे आपको डिस्कवर करके दिखाएंगे। अभी मैन हमने सिर्फ यहाँ पर शूट किया है एक इंट्रो के लिए, जो हमको बेसिकली कुछ हाईलाइट आपको बतानी थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं और मेरे साथ में मेरे दोस्त अमन चौहान, और कैमरामैन हमारा है अरमान हमारे साथ में। तो हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं, बाकी का डिस्कवर आपको वहीं करके दिखाएंगे कैसे है और क्या चीज़ वहाँ पे बेस्ट है। साढ़े 5 बजे करीब, और अभी हम रास्ते में नजरे के लिए जा रहे हैं। सोचा रास्ते में थोड़ी चाय भी पी लें, सुबह तक कुछ बगैर खाए पिए सीधा निकले, तो चाय का मज़ा यहाँ पे ले रहे हैं। साथ में हमारे भाई भी हैं। चाय आपको कैसी लगी भैया की? भाई साहब चाय एक नंबर, मज़ा आ गया। सुबह सुबह चाय पी के घर से बगैर कुछ खाए पिए निकले, चाय पी के मज़ा आ गया। भाई ने चाय बहुत बढ़िया बनाई, बहुत एकदम। और चाय का प्राइस कितना था भैया का? ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपीज़, वो भी कुल्लड़ की चाय है, सिर्फ वो भी कुल्लड़ की चाय है। ऐसा नहीं है प्लास्टिक ग्लास में पी रहे, कुल्लड़ में तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है यार। जो कुल्लड़ की मिट्टी की चाय होती है बहुत ही बढ़िया होती है चाय, अलग है यार। सब में तो उसमें पियो तो क्या पियो, मैं तो कुल्लड़ में चाय पीनी चाहिए। ठीक है, भैया का नाम क्या है वैसे? भैया आपका नाम क्या है? प्रेम पाल भाई। भैया का नाम प्रेम पाल है, और भैया की पड़ती है यहाँ से जब नदरी जाते हैं, जब शॉप पड़ती है मरेची के रास्ते में पड़ती है नदरी से। चलिए आपको दिखाते हैं जो आपको हमने बताया था इंट्रो के बारे में, कि वो जो नदी नीचे है वो नदी ऊपर किस तरीके से बह रही है, और अंदर जो पोटरी के बारे में वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ट्राई करेंगे, पोटरी में सुना है मैंने कि जाना डेंजरस है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि नीचे जा सके तो आपको सबसे अच्छा व्यू देने की हम लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा व्यू दे सकें। देखिए यहाँ से ट्राई करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे जो कोठरी है इसके नीचे कोठरी है, जो उसको चोर कोठरी भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो हम ये अभी सब आपको कैप्चर करके दिखाएंगे, और देखते हैं कि आगे क्या हमें कुछ रोमांचक चीज़ मिलती है या नहीं। ये देखिए जाने का रास्ता तो यहाँ से भी है, लेकिन हम कुछ और जगह से ट्राई करेंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं कहने को। ये वाला व्यू जो है यहाँ से भी हम जा सकते हैं नीचे, लेकिन हम दिखाएंगे आपको इस साइड। आइए भाई यहाँ थोड़ा संभल के, ज़्यादा ज़्यादा गहरा हो गया है, गिरने के चांसेस हैं। ये देखिए अपने सुबह सुबह यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो कि स्टॉल लगाए हुए हैं, जो कि यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे देते हैं। जैसे आइसक्रीम वाले भाई भी हैं यहाँ पे, कुछ स्नैक्स लेने हैं तो भेलपुरी आपको यहाँ मिल जाएगी,
भेलपुरी सही बनाते हो ना भाई? बढ़िया भेलपुरी काफी अच्छी बनाते हैं यहाँ पे। तो आइए हम आपको यहाँ पे पहले हम आपको दिखाते हैं ऊपर नदी का पहला व्यू दिखाते हैं। जो नदी मैंने आपको बताया कि ऊपर भी नदी है और नीचे भी नदी है, तो ऊपर का व्यू ये देखिए, ये देखिए यहाँ से हम आपको ये ऊपर नदी बह रही है और इधर कोठरी है। आने का रास्ता यहाँ से है, देखते हैं अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं, ये इसको बोलते हैं चोर कोठरी, चोर कोठरी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चोर कोठरी। हम ट्राई करेंगे यहाँ पे अंदर जा सकें, यहाँ पे ये सिर्फ सिंपल एरिया है, यहाँ से नीचे जाने का है प्रॉपर। आइए मैं एक बार आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, पूरा प्रॉपर नहीं जाऊँगा मैं अभी, सिर्फ आपको यहीं से व्यू दिखाता हूँ मैं। तो वेरी लो, काफी गहरा है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ से जाना तो पॉसिबल नहीं है गाइस, काफी गहरा है ये देखिए बहुत ही गहरा है, यहाँ से लगभग होगा 15 से 20 फुट की गहराई यहाँ पे, तो यहाँ से जाना तो पॉसिबल है नहीं। तो एक सेकंड वे हमने पूछा है जो रास्ता दूसरा है यहाँ अंदर जाने का, तो वो हम ट्राई करेंगे, थोड़ा नीचे से है हम वो ट्राई करेंगे, वो वहां से हम कैसे पहुंच सकते हैं। हमने अपनी बात यहाँ पे पास कर दी है, यहीं पे पास कर दी है भाई, अब हम अंदर जा रहे हैं। थोड़ा संभल के कोठरी में अंदर जाने का रास्ता यहाँ से भी बताया जा रहा है, कोशिश करते हैं यहाँ से हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। थोड़ा केयरफुल है मंदिर है, ये जंप और ये मैंने लगा दी जंप। आइए जो व्यू हमने आपको ऊपर से दिखाया था जिसकी गहराई वो गहराई हम आपको और एक बार दिखाते हैं यहाँ से। बाकी मैं आपको नीचे जो मैंने बोला था कि ऊपर भी नदी और नीचे भी नदी है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आए आप मेरे साथ, इतनी जगह है उस साठ पे, थोड़ी देर कम हो गया लेकिन हम निकल जाएंगे, हाँ उसमें निकल जाते हैं आराम से, तो उस साठ पे पर निकाल पे ऐसे उस पर, तो उसमें से तुम उसके भी अंदर जा सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ये देख लेना कीच ना हो ज़्यादा है, तो अंदर थोड़ा जाके ज़्यादा अंदर बन जाना, ज़रूरी भी नहीं है, तो कहीं का वही तो वापस निकल आना है पीछे को। पानी जो बह रहा है ये सिर्फ ऊपर वाली नदी का पानी है, जो गंगा नदी का पानी बह रहा है ये ऊपर वाली का नदी है, पानी यहाँ से बह रहा है ये ऊपर वाली का, और नीचे भी इसके अभी यहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी कम है इसलिए यहाँ पानी नहीं है, प्रॉपर पानी होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ब्रिज के नीचे भी नहर चल रहा है और ऊपर भी है, तो हम ऊपर वाला नदी आपको पहले ही दिखा चुके हैं, और जो ब्रिज के नीचे है वो ये है, यहाँ पर वाटर लेवल कुछ कम है अभी, बरसात का मौसम अभी आया नहीं है इस वजह से। ये व्यू है नीचे का जो कि काली नदी, हम जिसको बोलते हैं ये काली नदी का पानी बह रहा है, और ऊपर जो मैंने अभी आपको व्यू दिखाया था वीडियो में वो व्यू था गंगा नहर का जो कि सीधी बहती है, ये जाती है इस साइड, ठीक है। आइए नीचे का व्यू हम आपको एक बार और दिखाते हैं। ये पानी आ रहा है, ये गंगा नदी का पानी साफ हो रहा है नीचे, जस्ट
ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी कोठी में जाने का रास्ता है, लेकिन काफी हाइट में ऊंचा है, तो यहाँ से तो हम ट्राई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे हम और ट्राई करेंगे, मे बी कोई व्यू मिला करते हैं हम दूसरी साइड से जाने की। यहाँ पे मे बी हर एक जो सर्कल बना हुआ है उसमें से हर कोठी का रास्ता है। नहीं लगता कि मैं यहाँ से अंदर जा पाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू। ये देखिए, ये काफी अंदर है, ये सब कोठरी है। ये देखिए, चलो एडमिशन अंदर। ये देखिए, ये यहाँ से एक होल और है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। यहाँ से सेकंड रास्ता है जो इधर की साइड है अपना, और ये सामने दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, पहले आप ये जो है, ये मे बी यहाँ से एंट्रेंस का रास्ता है जो कि उस साइड निकलेगा, ठीक है। और ये जो आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये सारी कोठरी है, ये सिर्फ ओपन है अप साइड से, लेकिन यहाँ की जाने के लिए जो रास्ता है वो नीचे से गया है। जो ये हमने आपको होल दिखाया था, इसमें नीचे से रास्ता गया है ऊपर के लिए। तो ये आप यहाँ से पूरा व्यू देखिए, ये सारी कोठरी है। यहाँ पे सीधा जाना तो पॉसिबल है नहीं, वहाँ से जा सकते हैं, घूमने में ट्राई किया था, बट सॉरी गाइस हम अंदर जा नहीं पाए। लेकिन ये आप व्यू, ये सारी कोठरी है यहाँ पे, सारी यहाँ पे जीशान भाई की और हम भाई की हुए दोनों अंदर कोठरी में नहीं जा पाए भाई। भाई साहब, इट्स सो डिफिकल्ट, मुझे नहीं लगता है कोई जा पाएगा। मैंने तो ट्राई कर लिया, मेरे बस से तो बाहर है, अमन भाई ने भी ट्राई कर लिया, उनके बस से ही बाहर है। क्यों भाई, उस कोठरी में बहुत सारा गंदगी भरी पड़ी है, और एक तो अंधेरा भी है, उसकी वजह से डरावना और लगता है भाई, भूतिया घर, इसलिए तो हम जा नहीं पाए।
तो हे गाइस माय नेम इज अरमान और यू आर वाचिंग एजे ब्लॉगर्स यूट्यूब चैनल। तो भाई जीशान भाई वहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं अमन भाई का, तो आप सब लोग देख सकते हैं अमन भाई पोज लेके बैठे हैं। अमन भाई हाय कर दो, जीशान भाई हाय कर दो। बस जीशान भाई और अमन भाई दोनों करे पड़े हैं फोटो शूट, और देखो दोनों के दोनों वहाँ खड़े होकर फोटो शूट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कैमरे में लगे पड़े हैं दोनों के दोनों, ये नहीं है कि थोड़ी बहुत हेल्प करें दोनों के दोनों। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल एजे ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथ में बने रहेंगे अगली वीडियो के साथ।